नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर फ्रांस रवाना हो गए हैं। उन्हें फ्रांस के नेशनल डे यानी बैस्टिल डे पर बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया है। ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब भारत फ्रांस की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को 25 साल पूरे हो गए हैं। मोदी से पहले 2009 में मनमोहन सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें बैस्टिल डे में चीफ गेस्ट के तौर पर न्योता मिला। गुरुवार को फ्रांस पहुंचने के बाद पीएम पेरिस के लॉसियन म्यूजिकले में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। लॉसियन म्यूजिकले में फिलहाल इंडियन एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से फेस्टिवल ऑफ इंडिया नमस्ते फ्रांस को होस्ट कर रहा है। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो मोदी के लिए अपने ऑफिशियल घर एलसी पैलेस में प्राइवेट डिनर होस्ट करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। डिफेंस सेक्टर के लिहाज से पीएम मोदी की इस यात्रा को बेहद खास माना जा रहा है। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच राफेल एम लड़ाकू विमान को लेकर डील होने की संभावना है। भारत अपनी नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम यानी मेरी टाइम लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। ये विमान 5.5 अरब डॉलर से मिलेंगे। इसके साथ ही 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी की डील भी हो सकती है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।